तो यार गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को और 100 डेज ऑफ 100 व्लॉग्स की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है मेरा फेस जो है थोड़ा सा रूखा रूखा टाइप का लग रहा होगा क्योंकि हम लोग जो है अभी आए हैं NH 53 में, गाड़ी उड़ी जा रहा होगा तो शोर बहुत होगा, तो मैं पास आके बोल देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ से जो है राजधानी का 33 किलोमीटर है और ब्लैक टाइगर जो है यहाँ पर खड़ी हुई है। आज जो है पुराना वाला हमारा हेलमेट जो है जो साथ देता था हमारे स्प्लेंडर में, उसको लेके आया हूँ। और कहाँ के सामान का है, मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं। देखो कुछ बेसिक सा है लेकिन मोटो व्लॉगिंग जो है इसमें करेंगे और देखते हैं आज कितने दिन हो गए मोटो व्लॉगिंग करे। बाकी बात जो है मोटो व्लॉगिंग में मिलते हैं क्योंकि बहुत समय हो गया यार मोटो व्लॉगिंग किए एक प्रॉपर सेटअप के साथ। ये वॉइस जो है बिना माइक के आ रही है, माइक लगाने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा वॉइस आई थिंक, चलो देखते हैं। और यार जरूर जरूर एक लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना मेरे। तो यार यहाँ से जो है मोटो व्लॉगिंग शुरू हो गया है, गाड़ी थोड़ी रफ्तार में होगी, शायद ही वॉइस अच्छे से आ रही होगी। आप बता रहे कि कैसे आ रही वॉइस, और बहुत दिन हो गए मोटो व्लॉगिंग किए हमारे ब्लैक टाइगर में। आखिरी बार मेरे को याद है मैं गया था मोटो व्लॉग, शायद तक श्रेयांश के साथ गया था मैं, क्या नाम उसका, धमधा की तरफ, तब गया था मैं मोटो व्लॉग। और उसके बाद जो है अभी जो है शुरू कर रहा हूँ मोटो व्लॉग। और देखो 60 पे गाड़ी है, आवाज़ शायद तक सही आ रही होगी कि नहीं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, गला जो है सूख गया। कितने दिन हो गए मोटो व्लॉग किए, सामने अपना डी मार्ट है और यहाँ से एक राइड मैंने किया था। कभी भी अगर मैं यहाँ आता हूँ ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। सामने देख सकते हो हमारा टोल प्लाजा आ चुका है यहाँ का। और यार बाइक को देखो यार, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। क्या जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हों और थोड़ा सा यूट्यूब के काले धन से मैं एक गोप्रो लूँ, आपकी दुआ हो तो। और यार बहुत अच्छा लग रहा है अभी आके, अभी टाइम हो रहा है देख सकते हो 2:49 हो रहा है, मतलब 2:50 हो रहा है। और अभी से जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा सेक्सी और सुंदर लग रहा है यार, मौसम भी सेक्सी। और देखो क्या धान के खेत लग रहे थे, लेकिन ये तो जंगली घास है, मक्का का ऐसे लग रहा है, क्या दिख रहा है यार, कितने दिन बाद आ रहा हूँ मैं। और यार बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को कुछ वर्ड्स ही नहीं है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा इस गाड़ी को जो है टेस्ट करते हैं, भगाते हैं, मज़े लेते हैं और आगे से जो है और वीडियो चालू करेंगे। चलिए यार, मेरा मेन काम था, मेरे को मोटो व्लॉग बनाना था, मोटो व्लॉग्स डालना था ज़्यादातर, मेरे को दुनिया घूमना था बाइक में और बाइक में बहुत सारे जगह घूमना था। ये बात जो है मेरे अंदर बहुत दिनों से, और जो है अभी हवा आपको अच्छे से वो सुनाई दे रही होगी क्योंकि हवा जो है विंड अंदर घुस रहा है। तो यार कहाँ था मैं, हाँ मेरे को ये पूरा घूमना था, लेकिन जो क्या है कि सही से जो है बजट नहीं है और ऊपर नीचे हो गया। बाइक भी मैंने ले लिया, स्प्लेंडर अगर लिए रहता तो मैंने, अगर इसको मैंने नहीं लिया होता तो मैं एक गोप्रो ज़रूर लेता। तो और स्प्लेंडर रहती साथ में, कुछ पैसा बचता तो उससे जो है मैं आधा छत्तीसगढ़ बचा था तो वो पूरा जो है कवर करता। और फिर जो है आंध्रा, उड़ीसा, पुरी, अमरकंटक, ये सब पूरा जगह घूमता। और फिर जो है बड़े बड़े लद्दाख उद्दाख मेरे को बहुत जाने का सपना है। ये देख सकते हो काली माता के मंदिर है यहाँ पे, यार वो सपना जो है अभी जो है सपना ही है, आई होप कि आगे जाके ये पूरा हो और उसको जो है मौका मिले जाने का ये सब जगह। यार ये देख सकते हो हमारा शिवनाथ नदी है आ चुका है यहाँ पे, और विंड के लिए जो है मैं कुछ करूँगा अगली बार से। ये देखो शिवनाथ नदी हमारा बाजू में ही, आपको दिखाता हूँ खड़े होके पूरा। ओहो देखो क्या दिख रहा है यार, शिवनाथ नदी भी पानी एकदम बेस्ट है। और जो है मैं खड़े होके जो है गाड़ी चला रहा हूँ, आगे जो है हम लोग स्पीड टेस्ट करेंगे ऐसी, मतलब सिंपल सादा, और कुछ होगा नहीं, हेलमेट वगैरह पहना है। पीछे वाले को जो है मैं उतार दूंगा जिसने हेलमेट नहीं पहना है, और आराम से जो है हम पूरी सेफ्टी के साथ और आराम से हाईवे भी खाली है, किसी को कुछ ना दिक्कत होते हुए हम स्पीड टेस्ट करेंगे, वैसे ही आगे से जो है हम लोग आ जाएंगे। और यार आज का ये जो व्लॉग है ना, ये बस ऐसी छोटा सा राइड का है, भिलाई से लेके क्या बोलते हैं आगे तक राजनांदगांव का स्मॉल, बस ऐसी राइड के लिए, बस राइड का और कुछ भी नहीं है, बस राइड। तो यार गाय आ गए थे सामने अचानक से, तो स्पीड कम कर लिया मैंने, और ये कैमरा के कारण जो है ना मैं ढंग से वो नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जितना भी गया होगा 100 से ऊपर ही गया होगा ये लगभग। यहाँ पर मैंने एक और बार पिछले बार जो है भगाया था तो 130 पहुँच गई थी गाड़ी सिंगल में। और अभी जो है राधे को आगे उतारूँगा और फिर जो है व्लॉग बनाऊँगा। अभी जो है दुकान पर रोका हूँ है, तो स्टिंग लेने के लिए 2 स्टिंग लूँगा, वहाँ से जो है अभी आगे बढ़ेंगे हाईवे पर, तो चलो लेते 2 स्टिंग ले लेना, 2 स्टिंग पीते हैं।
कुछ खाने का लेते सोच रहा हूँ, लेते हैं फिर जो है आपको हाईवे पे जो है आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे हम लोग। चलो और देखो क्या लग रहा है लुक इसका, अभी जो है आपको दिखाऊंगा इसको, रोक के कहीं अच्छे जगह पे तब आगे देखेंगे हम लोग। चलो तो यार वहां से जो है यहाँ तक हम लोगों ने भगा के लाया, 120 121 तक भगाया गाड़ी को, और फुल ताबड़तोड़ तरीके से। अगर सिंगल होता तो शायद तक मैं 135 125 या फिर 130 तक गेन कर लेता गाड़ी में, लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। अभी देखो यहाँ पर इतना गर्म हो गया होगा ना, ये क्या जम गया है यहाँ पे, ऑयल लीक कर रहा है क्या यहाँ पे, नहीं पता। देखो पूरा ऐसे हो गया, देखो कैसे लग रही है गाड़ी में को एक बार कमेंट में बताना, और क्या प्यारी लुक आ रही है यार। देखो सामने में लिखा है मिस्टर सिंता व्लॉग्स, मैंने एक वीडियो और प्रॉपरली बनाया है। अभी देखो चारों इंडिकेटर जल रहा है यहाँ पे, हमने सुबह इसलिए दिख नहीं रहा होगा, और बाजू से जो है हाईवे है तो पूरा जा रहा है, तो होगा जाएगा ही। गाड़ी का लुक जो है काफी ज्यादा ताबड़तोड़ लग रहा है, और यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से राजनांदगांव कितना दूर रह गया है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो नागपुर दिखा रहा है, और ये 53 का मतलब है ये NH 53 है, और यहाँ पर फोटो वगैरह भी अपन ताबड़तोड़ बहुत सारा खिंचाए हैं। अभी जो है मैं यहाँ पे एक थंबनेल के लिए फोटो लूंगा, पिछले बार भी लिया था, ऐसे एक फोटो लेता हूँ थंबनेल के लिए, और फिर जो है यहाँ से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे मोटो व्लॉगिंग करते हुए। लेकिन काफी ज्यादा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहा है बाइक, और देखो लुक तो देखो यार कितनी प्यारी लग रही है यार। अपना बाइक का तारीफ मैं अपने कितना करूं, देखो ये थोड़ा ढीला हो गया यार, ये देखो इसको कितनी तेजी से भगा रहा है। ओ भाई थोड़ा धीरे, यहाँ पर एक थंबनेल के लिए फोटो लेता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। तो यार मैं और राधे अभी धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पर मैं जो है पीछे बैठा हूँ, तो बोला चलाऊंगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर खाली भी रोड है और हाईवे है, गेयर लगा गेयर, देख सकते हो बाजू में ट्रक वगैरह भी जा रहा है। यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर ऐसे चला के बाइक और ऐसे जाते हुए, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यार। और कितना शांति मिलता है यहाँ पे पूरा जो है नज़ारा देखते हुए और चलते हुए। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा व्लॉग जो है पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं जो है बस जस्ट राइड करना चाहता था, बस भिलाई से यहाँ तक, क्योंकि थोड़ा शांति चाहिए था क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और गाड़ी चलाने का बहुत ही ज़्यादा मेरे को मन हो रहा था। वीडियो जो है मैंने बनाया है राइड का, उसको जो है मैं बिना वॉइस ओवर के बनाया था, और इसको जो है एक प्रॉपर वॉइस ओवर के साथ बना रहा हूँ। और बाजू में जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है वो कम से कम हमारी गाड़ी 60 है तो लोग 80-80 पे चल रहे हैं गाड़ी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। खाली हाईवे है, ट्रक वहाँ चल रहे, तो हम यहाँ से जा सकते हैं कितने भी स्पीड में, और लिमिट तो है नहीं स्पीड का, तो पेलो जितना पेलना है आप लोग को इस रोड में, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी के साथ और थोड़ा उसके साथ। देखो ये हेलमेट भी पहना है, लेकिन मैं जो है इसको अभी जो है मैं बाइक ले लूँगा इससे। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक सुपर्ब वीडियो में, तब तक के लिए बाय।